हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक और पाइथन प्रोग्राम बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि उसमें रोल नंबर अगर किसी स्टूडेंट्स का दिया हुआ है तो उससे आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो अपनी ब्रांच से है या नहीं। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए, फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमने कहा कि इसे आई एम इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट विद रोल नंबर दिस। यूजिंग द रोल नंबर ऑफ ए स्टूडेंट वी शुड बी एबल टू फाइंड आउट इफ द स्टूडेंट इज फ्रॉम सी एस डिपार्टमेंट और नॉट। ठीक है, इस चीज का हमें एक प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, कि कोई भी स्टूडेंट सी एस डिपार्टमेंट का है या नहीं, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, अब पहले हमने यहाँ पे लिखा, से फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल प्रोग्राम। ठीक, फाइंड द स्टूडेंट फ्रॉम योर डिपार्टमेंट, हमने यहाँ लिखा फाइंड द स्टूडेंट फ्रॉम आवर डिपार्टमेंट। मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है कि स्टूडेंट के रोल नंबर से कि वो हमारे डिपार्टमेंट से है या नहीं। तो अब इसमें हमने कहा कि लेट अस राइट ए प्रोग्राम फॉर इट। द इनपुट इज ए स्ट्रिंग होल्डिंग द रोल नंबर। वी नीड टू एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट टू करेक्टर एंड चेक इफ दोज आर सी एंड एस, देन दिस कैन बी डन यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इसमें हमने ये मान लिया कि मान लीजिए हम सी एस डिपार्टमेंट से हैं। से फॉर एग्जाम्पल, मेरा रोल नंबर CS23B001 है। ठीक, और हम सी एस डिपार्टमेंट से हैं। अब हम किसी स्टूडेंट से उसका रोल नंबर लेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि वो भी सी एस डिपार्टमेंट से है या नहीं। तो इसके लिए जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो देखिए, इसके लिए प्रोग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने से लाइन नंबर वन में आपने लिखा रोल नंबर, एक वेरिएबल लिया आपने रोल नम। ठीक है, इज इक्वल टू इनपुट, यहां पे हमने लिखा योर रोल नंबर, योर रोल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड लाइन में हमने चेक किया इफ रोल नंबर, इफ रोल नंबर का जो पहला करेक्टर है इज इक्वल टू सी। ठीक है, उसके बाद तो फिर हमने लगाया कॉलम, फिर हमने लिखा इफ रोल नंबर वन, इफ रोल नंबर वन इक्वल टू एस। ठीक है, अगर ये दो दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो हमने यहाँ लिखा प्रिंट हेलो ब्रो। ठीक है, ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ लाइन में लिखा एल्स, एल्स में हमने ये प्रिंट किया प्रिंट एक्सक्यूज मी। ये ठीक, अब इसमें देखिए क्या होगा कि नोट दैट द एक्स्ट्रा इंडेंटेशन फॉर लाइन फोर ड्यू टू द नेस्टिंग। अब लाइन फोर में, ये लाइन फोर में हमने जो ये एक्स्ट्रा इंडेंटेशन किया है, ये नेस्टिंग की वजह से। इफ द फर्स्ट करेक्टर इज सी
इट चेक्स द सेकेंड करेक्टर ऑन लाइन थ्री। अगर मान लीजिए फर्स्ट करेक्टर सी है तो फिर वो सेकेंड करेक्टर चेक करेगा लाइन थ्री में, और अगर ये एस है तो वो फिर अगली लाइन एग्जीक्यूट कर देगा, ये हेलो ब्रो वाली, ठीक। और अगर ये एस नहीं है तो ये क्या करेगा, सीधा आ जाएगा एक्सक्यूज मी पे, ये प्रिंट कर देगा। आउट ऑफ द फोर इनपुट्स, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेके आपको समझाएं कि जब इस प्रोग्राम को हम रन कराएंगे तो हमें, जैसे मान लीजिए हमने कहा एग्जाम्पल वन, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ आया कि योर रोल नंबर, तो यहाँ पे मान लीजिए ये लिखा हुआ आया योर रोल नंबर, ठीक है। अब योर रोल नंबर में मान लीजिए किसी ने दिया से सी एस 23B010, तो सी पहला करेक्टर सी मिला, दूसरा एस मिला, तो वो मैसेज क्या देगा, मैसेज आ जाएगा हेलो ब्रो, ठीक। ये तो हो गया पहली एग्जाम्पल। मान लीजिए दूसरा हम टेस्टिंग डाटा लें, दोबारा हमने प्रोग्राम रन कराया, फिर ये लिखा हुआ आया योर रोल नंबर। अब किसी ने इनपुट किया एमी 23B111, ठीक। तो क्या होगा, ये न यहाँ पे सी नहीं मिलेगा उसके, जब सी नहीं मिलेगा तो इस लाइन में जाने का मतलब ही नहीं, तो सीधा आ जाएगा एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, ठीक। या और एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल ये पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा हो गया, मान लीजिए हमने कहा से एग्जाम्पल थ्री हमने लिया, फिर यहाँ पे आ गया योर रोल नंबर, योर रोल नंबर। अब किसी ने मान लीजिए इनपुट किया CH CH 23B002 B002। अब इसमें क्या होगा, पहला कैरेक्टर तो सी है, फिर ये दूसरा चेक करेगा, दूसरा एस नहीं है, तो फिर एक्सक्यूज में लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोग्राम एक्सक्यूज मी, इस तरह से ये प्रोग्राम रन करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आउट ऑफ द फोर इनपुट्स गिवन, ठीक है। अब ये अलग अलग इनपुट के लिए, थ्री इनपुट जो दिया हमने, ये इनपुट दिया तो ये आया, ये इनपुट दिया तो ये आया, ये इनपुट दिया तो ये आया। तो इस तरह से किसी भी स्टूडेंट के रोल नंबर अगर हमें पता हो तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये सी एस ब्रांच का, हमारी ब्रांच का है या नहीं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए जो हमने सी एस और एम ई, ठीक है, सी एस और एम ई वाला जो ये जो दो रोल नंबर है इसमें तो हमें आउटपुट मिल रहा है, लेकिन ये जो तीसरा जब आप सी एच देंगे, ठीक है, तो इसमें हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे CH23B002 देंगे, क्यों क्यों, बिकॉज वी डिड नॉट आस्क इट टू, द एल्स क्लॉज ऑन लाइन फाइव करस्पॉन्ड टू द इफ क्लॉज ऑन लाइन टू। मतलब ये जो एल्स है ये किसके करस्पॉन्डिंग है, ये करस्पॉन्डिंग है इस इफ के, ये चीज आपको ध्यान देने वाली है, ये देखिए, ठीक। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि द एल्स क्लॉज ऑन लाइन फाइव करस्पॉन्ड टू द इफ क्लॉज ऑन लाइन टू, एंड एज फार एज इफ क्लॉज ऑफ लाइन थ्री इज कंसर्न, इस इफ के करस्पॉन्डिंग आपने कोई एल्स नहीं दिया है। तो इसीलिए जब सी, तो मान लीजिए इसके लिए हम बात कर रहे हैं, पहला करेक्टर तो मैच कर गया लेकिन दूसरा करेक्टर नहीं मैच किया, उसके करस्पॉन्डिंग आपने यहाँ कुछ नहीं दिया है, तो फिर वो एक्सक्यूज मी कर दे रहा है। अगर यहाँ पे एल्स पे आपने कुछ दिया होता तो वो मैसेज आता, ठीक है। तो वही कह रहा है कि एज फार एज इफ द इफ क्लॉज ऑफ लाइन थ्री इज कंसर्न, इट डज नॉट हैव एन एसोसिएटेड एल्स क्लॉज, हेंस व्हेन द कंडीशन ऑन द लाइन थ्री इज फॉल्स द कंट्रोल कम्स आउट ऑफ द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट विदाउट एनी आउटपुट, ठीक है। तो जो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट से बाहर चला आ रहा है प्रोग्राम, इसलिए क्योंकि आपने उसके करस्पॉन्डिंग कोई एल्स स्टेटमेंट नहीं दिया है,
ठीक है, तो यही चीज आपको बेसिक चीज इसमें बतानी थी, क्लियर। अभी अभी इस प्रोग्राम पे और एक दो इनपुट लेके हम इसको और डिस्कस करेंगे कि अगर लाइन थ्री के करस्पॉन्डिंग हम लाइन थ्री में जो इफ दिया है उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम एल्स स्टेटमेंट देंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो इसको अब हम लोग जो है डिस्कस करते हैं कि अगर मान लीजिए इसी प्रोग्राम को हम एल्स स्टेटमेंट दे दें लाइन थ्री वाले इफ के साथ तो क्या होगा, तो भी हमें आउटपुट एक्सक्यूज भी मिलेगा, ठीक। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।